कोरोना को आसानी से डिफीट दी जा सकती है, अभी तक उसकी कोई मेडिसिन बनी नहीं है, उसका कोई वैक्सीन बनी नहीं है, लेकिन कोरोना से लड़ने की ताकत हमारे खुद के अंदर है। हमारे क्रिएटर ने वो चीज़ें हमारे अंदर बना के रखी है, वो है हमारा इम्यूनिटी पावर। हमारा शरीर की बनावट ऐसी है कि शरीर के अंदर कोई भी बीमारी होती है तो सबसे पहले हमारा शरीर उस बीमारी से लड़ने की कोशिश करता है और उसको ठीक करने की कोशिश करता है, और ये हर एक आदमी के अंदर होता है। उन लोगों के बीच बीमारियों से लड़ने की ताकत ज़्यादा होती है जिनका लाइफ स्टाइल अच्छा होता है, जिनका खान पीन अच्छा होता है, जो पॉजिटिव मेंटालिटी के लोग होते हैं, जो नेगेटिविटी की बात नहीं करते, वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं, तो उनका जो इंटरनल पावर है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो कोविड को मात दी जा सकती है। हमारे सामने बहुत से एग्जाम्पल्स हैं कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव थे बाद में कोरोना नेगेटिव पाए गए। ऐसा नहीं था कि उनको कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन दिया गया, बल्कि उनको दिया गया पीने के लिए गर्म पानी, तुलसी का काढ़ा, विटामिन सी की गोलियाँ, और उस पर निगाह रखी गई, उनको सही। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं ये वीडियो पर्पसली बना रही हूँ। 8 दिन मैं कोविड पॉजिटिव वार्ड में काम करके आई हूँ और अभी 4 डेज मेरे को रेस्ट है। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि उसमें जो 20 पेशेंट में से 16-17 जन यंगस्टर थे, मतलब 20 से 40-45 उम्र के, वो लोगों का फीवर जो है वो सिर्फ 2 ही दिन का था। मतलब फर्स्ट डे जब ये फीवर आया और उनको लगा कि कोरोना हो सकता है, फिर उन्होंने टेस्ट किया, फिर उनको एडमिट किया गया सेकंड डे, और उसके बाद थर्ड डे पे दोपहर तक उनका सबका फीवर लगभग सबसाइड हुआ और खांसी इतना ज़्यादा नहीं था, 1-2 जन को था, तो उनको एलेक्स दिया। उसके बाद उनको 14 दिन हॉस्पिटल में रुकना था, तो 14 दिन में उनको सिर्फ क्रोसिन का गोली, अगर उनको लग रहा है ऐसा फीवर है अगर, तो सबको एक एक थर्मामीटर अलग से दिया था, वो लोग अपना खुद चेक कर रहे थे, और SpO2 हम लोग चेक कर रहे थे, जो ऑक्सीजन लेवल हम लोग चेक कर रहे थे, और लगभग पेशेंट सब नॉर्मल थे। इसमें से 2-3 जन जो एजेड थे, above 50 above 60, उन लोगों को थोड़ा ये हार्ड था, उनका फीवर 4th-5th दिन सबसाइड हुआ और उनको थोड़ा दम, मेरा ड्यूटी खत्म होने तक भी उनको दम लग रहा था, लेकिन वो सब लोग रिकवर हो रहे थे। मैं इनको कोई स्पेशल दवा नहीं दे रहे थे हम लोग। मैं जो ऑब्जर्व की, इनको सिर्फ हम लोगों ने एक्स्ट्रा VZZ, मतलब विटामिन सी का गोली दिया और बिकॉशुल कैप्सूल दिया, क्योंकि खाने में से अभी जैसे घर का खाना होता है वैसा हॉस्पिटल का तो होता नहीं है, फिर भी उनको उतना प्रॉपर, मतलब खाना पीना नाश्ता सब मिल रहा था, गर्म पानी प्रॉपर वो लोग पी रहे कि नहीं, 2-2.5 लीटर, वो हम लोग उनको पूछ रहे थे थोड़ी थोड़ी देर में जाके, और एकदम नॉर्मल थे वो लोग। मैं बोल रही हूँ 20 से 40-45 तक जो लोग हैं वो दूसरे तीसरे दिन एकदम ठीक हो रहे थे, और थोड़ा उनको जो है वीकनेस, हाँ वो रहता है, और वीकनेस के लिए ही बिकॉशुल दे रहे थे। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर घर में भी हम लोग पहले से ही कुछ हुआ नहीं है, फिर भी अगर विटामिन सी लेते हैं और बिकॉशुल का कैप्सूल लेते हैं, या कोई भी विटामिन का टॉनिक अगर बच्चे लोग हैं तो उनको देते हैं, या थोड़े ओल्ड एज है उनको देते हैं, तो आई थिंक सो हम लोग का इम्यूनिटी बहुत अच्छा रहेगा। और डरो मत, क्योंकि अगर कोरोना हो भी रहा है ना किसी को भी, कोई ना कोई रास्ते से ये सबको होने वाला है, तो अगर होगा भी ना तो डरना नहीं, हम लोग सब रिकवर होने वाले, हेल्दी रहना है ये अपने हाथ में। उस पर निगाह रखी गई, उनको सही खाना दिया गया, और उनके खुद के अंदर जो लड़ने की ताकत थी उससे वो लोग ठीक हो गए। हाँ, इसमें ये गौर करने वाली बात है कि अगर आपको दूसरी और बीमारियाँ हैं तो उस परिस्थितियों में आपके ऊपर कोरोना ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, उससे आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आपको ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों के साथ कोरोना को, अगर कोरोना पॉजिटिव आप हो जाते हैं तो स्थिति गंभीर भी हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोग ठीक हुए, तो कोरोना से घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना के साथ जीने की आदत डाली है। जिस तरह हम इतनी सारी बीमारियों के साथ जी लेते हैं और जी रहे हैं, तो कोरोना के साथ भी हम जी सकते हैं। ये लॉकडाउन इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, कब तक करेंगे आप? कहावत है ना, किसी बीमारी को ख़त्म करना है तो जड़ से उसको ख़त्म करना होगा।
उसकी वैक्सीन आनी चाहिए, उसकी वैक्सीन उसकी मेडिसिन आनी चाहिए, उसके बाद ही हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या जब तक वैक्सीन नहीं है क्या हम घर में चिपके बैठे रहें? बिल्कुल नहीं। हम कोरोना से लड़ेंगे और जीतेंगे भी, और ये पावर हमारे खुद के अंदर है, आपके अंदर है। उस पावर को आपको इम्प्रूव करना होगा, आप बिल्कुल जीत सकते हैं। जय हिंद, जय वतनम। दोस्तों, मैं नितिन प्रवीण भानुशाली, मुंबई साकी नाका सेठिया नगर का रहवासी हूँ। मैं कोरोना पॉजिटिव था, मगर घर रहकर मैंने कोरोना को मात देकर मैं कोरोना नेगेटिव हो गया हूँ। आज इस बारे में समाज में जागरूकता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। 2 मिनट का समय निकाल कर जरा ये वीडियो देख लीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, शायद किसी का भला हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आज से 16 दिन पहले मुझे बुखार आया 103 डिग्री के आसपास, और थोड़ी खांसी शुरू हो गई, तो मुझे पता चल गया कि कोरोना के लक्षण है। मैंने तुरंत अपने घर वालों से दूरी बना ली, सोशल डिस्टेंसिंग करके मैं घर में रहा। दूसरे दिन जाके मैंने कोरोना का रिपोर्ट निकाला, जो तीसरे दिन मेरे हाथ में आया वो पॉजिटिव था। दोस्तों, रिपोर्ट पॉजिटिव आया मेरा, तब 2 मिनट के लिए मैं घबराया, मगर फिर मैंने तुरंत वहाँ से बीएमसी वाले को फ़ोन किया और घर आया। शाम को 11:30 बजे बीएमसी वाले मेरे घर आए। उन्होंने मुझसे कन्फर्मेशन लिया कि आपके घर पे 10 साल से नीचे या 60 साल से ऊपर कोई नहीं रहता ना। फिर उन्होंने मेरा बेडरूम देखा, उसके साथ एक वॉशरूम अटैच है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप घर पे क्वारंटाइन हो सकते हो अगर आप चाहो तो। तो मैंने तभी बीएमसी में कहीं भी बेड अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो मैंने घर पे क्वारंटाइन रहना डिसाइड किया। दोस्तों, 14 दिन बाद मेरा रिपोर्ट आज नेगेटिव आया। इसका पूरा श्रेय जाता है मेरे परिवार को, जिन्होंने एक डिसिप्लिनली मुझे एक चार्ट बना के दिया, जिसमें ये गिलोय, गर्म पानी, काढ़ा, स्टीम, अदरक, नींबू जैसे आयुर्वेदिक दवाइयों का उपचार किया। और तीसरे दिन मेरे छाती में थोड़ा दुखावा शुरू हुआ, तो मैंने योग का रास्ता भी अपनाया। जी हाँ दोस्तों, योग कोरोना के लिए बहुत ज़रूरी हथियार है, योग बहुत बड़ा वेपन है। बहुत सिंपल योग, ज़्यादा कुछ नहीं, अनुलोम विलोम, कपाल भारती। और दोस्तों, मैंने 14 दिन में कोरोना को मात दे दी। कोरोना से सतर्क रहो, मगर हो जाए तो फिर नहीं डरो, हम इसे मात दे सकते हैं। जय हिंद। अपने अंदर की ताकत को पहचानिए, अपने अंदर की ताकत को इम्पावर कीजिए। आपके अंदर जो लड़ने की ताकत दी है, जो गॉड गिफ्टेड है, उसे हमें पहचानना है और उसको इम्पावर करना है। हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज कोरोना की बीमारी आई, कल दूसरी भी आएगी, उसके बाद तीसरी भी आएगी, तो उसके लिए हमें तैयार होना होगा। तो अपने लाइफ स्टाइल को बदलिए, पॉजिटिव मेंटालिटी रखिए, अच्छा खाना खाइए, लोगों की मदद कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको इम्पावर करेगी, जो आपको लड़ने की क्षमता प्रदान करेगी। आपके अंदर कोई भी बीमारी आती है तो उससे आप आसानी से लड़ सकते हैं। मैं जब से लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद से ही प्रोग्रेसिव इंडिया फाउंडेशन की तरफ से मैं लोगों तक जाता रहा हूँ मदद पहुँचाने के लिए। इसमें मुझे पुलिस डिपार्टमेंट और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने भी मुझे काफ़ी मदद की। उन लोगों ने मुझे परमिशन दिए थे काम करने के लिए, लेकिन साथ में हिदायत भी दे दी कि आप सावधानी से काम करें, स्थितियां काफ़ी बिगड़ गई हैं, पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि ये ऑफिसर्स ये खुद अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों तक मदद पहुँचा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारा मेन मकसद होता था कि लॉकडाउन के बाद जो माइग्रेंट्स थे, जिनके पास खाने के लिए नहीं था, या जो डेली वेजेस लेबर्स थे, जो डेली कमाते थे, डेली खाते थे, तो इन लोगों के पास काम भी नहीं रहा और पैसे भी नहीं रहे। तो धीरे धीरे इनके 2-4 दिन के जो पैसे थे वो पैसे सारे खर्च हो गए और इनको खाने की मोहताजी हो गई। तो हम अपने एरिया में जाते थे, उन एरिया में जाते थे जहाँ माइग्रेंट्स रहते थे, जो फैक्ट्री एरिया हो गया, जो स्लम एरिया हो गया, उन एरिया में हम विजिट करते थे और उनका इंटरव्यू लेते थे, और हम जानने की कोशिश करते थे कि कौन आदमी किस परिस्थिति में रह रहा है, और हम उन तक राशन पानी पहुंचाने की कोशिश करते थे। इसमें बहुत से एनजीओ और बहुत से लोगों ने हमारा साथ दिया। और मैं खेरना गांव के एमआई संजय जी आए हैं, और खाना बटाटा इत्यादि सामान लेके आए, उसके बाद भी लकड़ा
जिनके घर में गैस नहीं है, लकड़ा भी लेके आए। यहाँ पे बंगाल के बहुत से लोग के लिए। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि कोविड से बचने का रास्ता क्या है। अगर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, अगर हम कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो हमें भी क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, हमारी फैमिली को भी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, तो क्या करें। तो सबसे पहले हमने रिसर्च किया कि क्वारंटाइन होने जाने से पहले सबसे पहले कोरोना से कैसे बचा जाए, इसके बारे में हमने बहुत से डॉक्टरों से बात की। WHO के जो रिपोर्ट्स हैं उस रिपोर्ट्स को हमने पढ़ा और हम इस ये समझ गए कि कोरोना से लड़ने का एक ही रास्ता है कि आपकी इम्यूनिटी पावर को आपको बढ़ाना है। यही पावर है जो आपको कोरोना से लड़ने में आपको मदद करती है और आप उससे बचे रह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह के काम में मैं करता रहा हूँ इन कोविड के समय में, तो कोरोना होना मेरे लिए बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है। टाइम से राशन नहीं पहुँचा है और ये काफ़ी तकलीफ में है, तो मैं क्योंकि कोरोना का मतलब क्या होता है, ये एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे को आसानी से फैल जाता है। और क्यों फैलता है कि हम डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते, हम एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं, उनसे कभी हाथ छू जाता है, कभी बोलते समय सांस लेते हैं, तो वो जो कीटाणु हैं, वो जो वायरस है, वो हमारे अंदर भी वो प्रवेश कर जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ हुई हैं जहाँ ये मेरे लिए बहुत सी कॉमन बात हो गई थी, क्योंकि मुझे लोगों के बीच जाना पड़ता था, उनकी मजबूरी इतनी होती थी, उनकी परेशानियाँ इतनी होती थी कि कोई भी उनके पास जाता था तो वो दौड़ के चले आते थे, सब इकट्ठे हो जाते थे, अपनी परेशानियाँ बताने लगते थे, हम बहुत मना करने के बावजूद भी हम कई बार उनसे घिर जाते थे चारों तरफ से। तो बहुत बार हमको रेड जोन डिक्लेयर किया गया था, उस एरिया में भी हमने विजिट किया, वो भी मैं आपको बताऊँ। हम लोग यहाँ पे हारगर हेल्पिंग ग्रुप की तरफ से आए हैं, जिसको यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं वो हमारे एडमिन हैं, और उनका इंस्ट्रक्शन है कि सर्वे करो, सर्वे करने के बाद रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट बनाने के बाद उनको सब जगह खाना डिस्ट्रीब्यूट करो। और इसमें सबसे पहले मैंने प्रिकॉशन लिया, क्योंकि मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स रहते हैं, वो दोनों के दोनों 65 प्लस हैं, और मुझे अपने से ज़्यादा उनको टेंशन थी कि मैं तो बाहर से आ रहा हूँ, हो सकता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कोरोना से मैं बच सकूँ, उनसे मैं लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे कोरोना का कोई भी वायरस अगर मेरे साथ साथ मेरे घर पे भी आ जाता है तो मेरे माँ बाप भी खतरे में आ सकते हैं। अपोजिट सिचुएशन में भी मेरे घर वालों ने मुझे बहुत साथ दिया, उन्होंने कभी नहीं बोला तुम मत करो, नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा कि तुम करो, लेकिन तुम अपना आपका खुद का ध्यान रखो, अगर तुम ठीक रहोगे तो दूसरे को ठीक रख पाओगे। बिल्कुल सच्चाई है, अगर हम दूसरे की मदद करना चाहते हैं, अगर हम फिट नहीं हैं, अगर हम ठीक नहीं हैं, तो हम दूसरे को क्या मदद कर पाएंगे। अगर मैं ही कोरोना पॉजिटिव हो जाता हूँ तो मुझे खुद को क्वारंटाइन होना पड़ेगा, तो पहले तो मुझे अपनी सेहत के ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली कोशिश यही थी कि अपने आप को फिट रखा जाए, और मैंने यही पाया कि अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी है, अगर आप पॉजिटिव मेंटालिटी रखते हैं, हर चीज़ों को पॉजिटिव रूप में देखते हैं, और अपनी विल पावर को आप बढ़ाते हैं, खान पान आपका अच्छा होता है, तो आपकी इम्यूनिटी पावर भी इंक्रीज हो जाती है, जो आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है, वही इस केस में है। तो लॉकडाउन से अब डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी है, कोरोना को कैसे हराया जाए इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। मैं आपको कुछ अपने वीडियोस दिखाऊंगा जिसमें ये साबित होता है कि मैंने बहुत बड़े बड़े खतरे लिए हैं, और उसके बावजूद भी मेरे क्रिएटर्स या मेरे बॉडी के अंदर
कुछ चीज़ें थी जो उन बीमारियों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार थी। फाउंडेशन और केरला समाज की ट्रस्ट से की तरफ से हम लोग खाने का पैकेट, पानी का बोतल उनको हम साथ में दे रहे हैं, और ये हमारा कार्यक्रम जब तक लॉकडाउन जब तक चालू है तब तक ये हमारा कार्यक्रम चालू रहेगा। आप लोग लोगों तक हमारा मैसेज पहुँचाइए, स्पॉन्सर किया था उसकी वजह से हम लोगों ने आज यहाँ पे खाना रखा। कल के नए स्थान पे मिलेंगे, नए जगह पे मिलेंगे। अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचाइए। आज का जो कार्यक्रम है खारघर हेल्पिंग ग्रुप की तरफ से रखा गया है। हमारे हेल्पिंग ग्रुप के अंदर कम से मैं दो बार कोरोना के मुझे सिम्टम मुझे लगा कि मुझे कोरोना हो गया है और मुझे जाके टेस्ट करा लेने चाहिए। मैं डॉक्टर से मैंने प्रिस्क्रिप्शन के भी लिया कि मुझे कोरोना टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उन्होंने मेरा कोरोना टेस्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि जब तक कोरोना के सारे सिम्टम नहीं पाए जाते हैं तब तक हम कोरोना टेस्ट हम नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। कोरोना के सिम्टम क्या हैं? पहला है कि आपको तेज बुखार होनी चाहिए, दूसरा ये है कि आपको गले में खराश होनी चाहिए, तीसरा है कि आपको ठंडी भी लगनी चाहिए और उसके साथ साथ आपको वीकनेस होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें एक साथ हो तो ये कोरोना का बेसिक लक्षण माना जाता है कि हाँ आपको कोरोना हो सकता है। लेकिन मेरे केस में ये चारों ही चीज़ें कभी एक साथ नहीं रही। जैसे मैं बुखार मुझे कभी नहीं हुआ, मुझे वीकनेस भी कभी नहीं हुआ, मुझे दो बार सांस लेने में परेशानी हुई थी, तो मैंने डॉक्टर को कांटेक्ट किया था। उन्होंने बोला कि नहीं आप इतनी भाग दौड़ करते हैं और सारा दिन मास्क लगा कर रखते हैं तो ये रीज़न हो सकता है। हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। खारघर के ओर से मिस्टर संजय सराफ के तरफ से हमारे पनवेल ट्रैफिक यूनिट के लिए सैनिटाइजर, मास्क और उन्होंने जो थर्मोमीटर का जो हमको स्पॉन्सर किया है वो प्रोवाइड किया है, उसके लिए मैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ओर से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सभी व्यवस्था संजय सराफ साहब, संजय जी भी हमारे साथ बहुत मजबूती, और संजय सराफ जी हैं ये भी, संजय सराफ जी ने भी बहुत ज़्यादा मदद की है, इन्होंने आ चुकी है और आज ये सब लोग बिहार चले जाएंगे। ये लोग कोरोना के साथ रहने की आदत डाल लीजिए और अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए, कोरोना को आसानी से मात दी जा सकती है और ये पावर आपके अंदर है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है, बल्कि सबके अंदर है। इस छुपे हुए पावर को पहचानिए, इंक्रीज कीजिए, यू कैन डिफीट कोरोना। आप मेरी बात को याद रखना, आने वाला टाइम में अभी भी यही बातें हो रही हैं कि जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है कोरोना का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा है, और आने वाला टाइम में ये चीज़ें साबित हो जाएंगी। और ये मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि जो मेडिसिन हैं वो केवल 50-60% ही काम करता है, बाकी का तो आपका जो इंटरनल पावर है वो उस बीमारी से लड़ता है, क्योंकि हमारे शरीर की बनावट ऐसी है कि आने वाली हर बीमारियों को सबसे पहले लड़ने की कोशिश करता है। इसके लिए अपने अंदर की ताकत को पहचानिए, आप बिल्कुल कोरोना को हरा, पैसन होना चाहिए कि आप कोरोना को हरा सकते हैं, डिफीट दे सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये ताकत हमारे क्रिएटर ने हमारे अंदर ही दी हुई है, हमें ज़रूरत है उस ताकत को पहचानने की।